हमारे देश में स्पोर्ट्स पर काफ़ी फिल्में बनी हैं। कुछ फिल्मों को लोगों ने सिरे से नकार दिया तो वहीं कुछ स्पोर्ट्स फिल्मों को बेहद पसंद भी किया गया। क्रिकेट से लेकर रेस, बॉक्सिंग, हॉकी, फुटबॉल, लगभग सारे स्पोर्ट्स पर फिल्में बनी हैं। आजकल तो इस थीम पर कुछ ज़्यादा ही फिल्में बन रही हैं, लेकिन इन सारी फिल्मों में जो सबसे कॉमन बात होती है वो ये कि वो फिल्म एक उस खिलाड़ी के जीतने के सफ़र को ही दर्शाती है। ज़्यादातर इस तरह की फिल्में किसी स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी पर आधारित होती हैं, लेकिन आज हम इस एपिसोड में जिस स्पोर्ट्स पर बनी फिल्म की चर्चा करेंगे वो कुछ खास है। वेलकम टू पलट तेरा, ध्यान किधर है। आज हम चर्चा करेंगे 2018 में रिलीज तेलुगु फिल्म जर्सी के बारे में। उस समय के महान बैट्समैन मेरे पापा अर्जुन। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें नैनी, श्रद्धा, श्रीनाथ, रौनित कामरा, सत्यराज और संपत राज जैसे एक्टर्स ने काम किया है। जैसे कि मैं बता रहा था कि स्पोर्ट्स पर बनी फिल्में उस लीड एक्टर की कामयाबी के लिए उसके किए गए संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन जर्सी फिल्म अलग है। ये फिल्म न केवल एक क्रिकेटर के कामयाब होने की कहानी है, बल्कि ये कहानी है एक बेटे की जो अपने पिता को किसी हीरो से कम नहीं समझता, जो हमेशा अपने पिता को जीतता देखना चाहता है। उनकी तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी वो मेरी जैसे मैदान में उतरे और एक जांबाज खिलाड़ी की तरह ये तेरे लिए जोड़ी। ये कहानी उस वाइफ की है जो एक सिंपल लाइफ चाहती है जिसमें उसका हस्बैंड नौकरी करे, पैसे कमाए और अपनी फैमिली को पाले, जिसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। इस वक्त हमारे हालात क्या है पता है ना तुम्हें? 3 महीने हो गए, रेंट तक नहीं भरा हमने। ये कहानी है एक कोच की जिसे आज भी लगता है कि उस खिलाड़ी में जो बात है वो किसी और में नहीं, जो अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि एक दिन ये बड़ा खिलाड़ी जरूर बनेगा। अगर इंडियन टीम में खेलना है तो एक ही रास्ता है, तुम्हें रणजी में अच्छा खेलना होगा। इन सारे किरदारों को जिससे उम्मीद है, गुस्सा है, कड़वाहट है, वो है अर्जुन यानी कि नैनी। इसे आप एक सिंपल स्पोर्ट्स पर बनी फिल्म नहीं कह सकते, क्योंकि इस फिल्म में नैनी यानी अर्जुन के घर, परिवार, कोच, दोस्त और बेटे से अलग अलग तरह के इमोशनल अटैचमेंट है। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है जहां एक लड़का जर्सी नाम की बुक खरीदने जाता है। तभी उसके बाद दो और लड़कियां उस दुकान में आती हैं और वही किताब मांगती हैं, लेकिन उस लड़के ने जो किताब खरीदी थी वो आखिरी कॉपी थी जर्सी किताब की। ऐसे में वो लड़का उन दोनों लड़कियों को वो किताब दे देता है, लेकिन लड़कियों को ये बुरा लगता है कि एक अनजाना हमें इस तरह से किताब क्यों दे रहा है। इस पर वो लड़का कहता है कि ये जर्सी किताब जिनके ऊपर लिखी गई है वो मेरे पिता थे। ये मेरे पापा हैं। इसे एक बेहतरीन ओपनिंग सीन कह सकते हैं जहां एक्सपेक्टेशंस से अलग कुछ देखने को मिलता है। जब जब वो लड़का अपने पिता के बारे में बात करता है उसी डायलॉग से रिलेटेड फ्लैशबैक के सीन्स को बीच बीच में जिस तरह से दिखाया जाता है वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पापा एक फाइटर थे, उन्हें हालात का सामना करना अच्छी तरह से आता था। नैनी का वो सबसे इमोशनल सीन है जहां उसका बेटा उसे चोर कहता है और शायद नैनी के सबसे बेहतरीन अदाकारी भी वहीं देखने को मिलती है, जब वो बिना कुछ बोले भी अपने बेटे के इस घिनौने इल्जाम पर रिएक्ट करता है। पापा को माफ कर देना बेटा। एक अच्छा एक्टर वही होता है जो अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए डायलॉग्स का मोहताज ना हो, बिना बोले भी आंखों से, हैंड मूवमेंट से, एक्सप्रेशन से, हाव भाव से बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऐसा ही कुछ नैनी भी फिल्म के कई सीन्स में करते नजर आते हैं। 500 रुपए के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे की नजरों में चोर बन गया सर। यूं तो ये फिल्म कई अलग रिश्तों में बुनी हुई फिल्म है, लेकिन बाप बेटे के बीच जिस तरह की बॉन्डिंग फिल्म में दिखाई गई है वो इमोशनल करती है। एक बाप का अपने बेटे के बर्थडे गिफ्ट के लिए दर दर भटकना। 500 और सही, लेकिन जॉनी को गिफ्ट नहीं देगा तो वो क्या सोचेगा, वो सोच। बेटे को वो गिफ्ट ना दिला पाने का दर्द फिल्म में एक अहम कड़ी है। वहीं फिल्म बाप बेटे के रिश्ते के साथ साथ वाइफ हस्बैंड के रिश्तों के पैरेलल भी चलती रहती। अर्जुन की वाइफ की भूमिका निभाने वाली श्रद्धा श्रीनाथ को बेहतरीन तरीके से फिल्म में पेश किया गया है। इस कैरेक्टर पर आपको गुस्सा भी आएगा, नाराजगी भी होगी, लेकिन वहीं आपके दिल में इसके लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहेगा। क्रिकेट खेलना है तो हमें भूलना पड़ेगा, डिसाइड कर लो। पूरी फिल्म में जहां ये थोड़ा ग्रे शेड में दिखती है, वहीं लास्ट में तो पूरी तरह से अर्जुन के सपोर्ट में उतरकर एक वाइफ की सारी जिम्मेदारी निभा जाती है।
इसके अलावा फिल्म में सत्यराज जो कोच बने हैं उनका भी इस अर्जुन से एक अलग तरह का रिश्ता है। वो अर्जुन को बेटे से भी ज़्यादा मानते हैं और हर बार इस कोशिश में रहते हैं कि उसे वापस क्रिकेट की दुनिया में लाया जा सके। फिल्म के डायरेक्शन की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से गौतम तिन्नानुरी ने फिल्म के सारे कैरेक्टर्स को पर्दे पर उभारा है वो कमाल है। आम फिल्म में देखें तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत नॉर्मल लगेंगे, लेकिन डायरेक्टर ने यहाँ हर एक किरदार को थोड़ा हटके दिखाने की कोशिश की है। वाइफ है तो ज़रूरी नहीं कि अपने पति के लिए समर्पित ही हो। लीड हीरो यानी अर्जुन है तो ज़रूरी नहीं कि उसके काम भी हीरो जैसे ही हो। वो फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन ऑडियंस को उससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी नहीं रहती, क्योंकि वो आलसी है, घर में यूं ही बैठा रहता है, दारू पीता है, घर का कोई काम नहीं करता, बीवी के पैसों पर जी रहा है। ये सारी चीज़ें नैनी यानी अर्जुन को फिल्म की शुरुआत से ही ऑडियंस की नज़र में महान नहीं बनने देती। अर्जुन बात मारेगा क्या? मैं पैसे नहीं है। फिल्म में जस्ट कामयाब होने की कहानी नहीं दिखाई गई है, क्योंकि कामयाब तो अर्जुन पहले से ही था, लेकिन ये कामयाबी के बाद नाकामयाबी और फिर वापस कामयाब होने की कहानी है, और वो भी ऐसे स्पोर्ट्स पर जहां उम्र बहुत मायने रखती है, यानी क्रिकेट। किसी जमाने का महान क्रिकेटर आज बाई बाई का मौत आ जाए। फिल्म किसी असली क्रिकेटर पर बेस्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अर्जुन का जिस तरीके का क्रिकेट जर्नी फिल्म में दिखाया गया है वो बिलीवेबल है। ओवर ड्रामा देखने को नहीं मिलता, सब कुछ रियलिटी से जुड़ा ही नजर आता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। कट टू कट जिस तरीके से सीन्स को जोड़कर कहानी को इमोशनल करके दिखाया गया है वो बेहतरीन लगता है। एडिटिंग भी अच्छी है, बेवजह के किसी भी सीन को फिल्म में नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से फिल्म कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती। स्पोर्ट्समैन पर बनी फिल्में लोगों को पसंद आती है, स्पेशली अगर फिल्म क्रिकेट पर बेस्ड हो, क्योंकि क्रिकेट और क्रिकेटर्स को हमारे देश में भगवान से कम नहीं मानते। क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी हमें अक्सर देखने को मिलती है, तो जाहिर सी बात है फिल्म भी लोगों को अच्छी लगनी ही चाहिए थी। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से रिश्तों को बीच में पिरोकर एक क्रिकेटर की असफलता और फिर सफलता को दिखाया गया है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है, मुझे हीरो जैसे लगते हो। फिल्म का कुछ पार्ट 80s और 90s का भी दिखाया गया है, जहां एक ब्राउन शेड के साथ सीन्स का कलर करेक्शन देखने को मिलता है। उस वक्त के रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह को जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है उसमें किसी भी तरह की कमी नज़र नहीं आती। नैनी की एक्टिंग की बात करें तो अगर मैं इसे नैनी की आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहूँ तो शायद ही गलत नहीं होगा। फिल्म में उन्हें काफ़ी कुछ दिखाने का मौका मिला भी है, जिसे उन्होंने अच्छे से निभाया भी है। अगर आपके हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी चट्टान आपको रोक नहीं सकती। यंग एज में जहां वो एक एरोगेंट क्रिकेटर नजर आता है, वहीं वो एक हिंसक लवर के रूप में भी दिखाई देता है। शादी के बाद जहां वाइफ के साथ रोमांटिक पल वाले सीन्स भी देखने को मिलते हैं, वहीं वाइफ द्वारा बेइज्जत होने पर शर्म महसूस करने वाले किरदार में भी वो फिट बैठते हैं। लेकिन जहां उन्होंने अपना बेस्ट दिया है वो उनका और उनके बेटे के बीच के सीन्स हैं। आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू। इन सीन्स में आप खुद को भी कनेक्ट करने लगेंगे, फिर चाहे बेटे के रूप में हो या फिर बाप के रूप में कनेक्ट करें। बच्चे के किरदार में रौनित की बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलती है। उसके चेहरे की मासूमियत और डायलॉग में ठहराव, उसके साथ साथ उतार चढ़ाव उस बच्चे की काबिलियत को दर्शाता है। आज की फिल्मों की बात करें तो शायद आपको भी ये वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट लगेगा। मेरे हीरो तो आप ही हो ना पापा, इसीलिए मैंने सचिन का पोस्टर उसे दे दिया। इनके अलावा सत्यराज तो कमाल के एक्टर है ही। एक कोच होने के साथ साथ वो अर्जुन के वेल विशर भी है। फिल्म में एक भी बार बिना बल्ला उठाए भी वो फील करा जाते हैं कि वो एक कोच है। वो इमोशनल तो है लेकिन उस इमोशन को वो चेहरे पर नहीं आने देते, और यही एक एक्टर की खासियत होती है कि उनकी एक्टिंग से लोग खुद अंदाजा लगा ले कि इस सीन में उसकी फीलिंग किस तरह की है। जितना भरोसा तुम पर है मुझे अपने सगे बेटे पर भी नहीं। जरूरी नहीं कि लोगों को उदास दिखाने के लिए आंखों से आंसू टपकाए ही जाएं, या अगर अंदर से खुशी है तो उसे हंस के ही जाहिर किया जाए। आंखों और चेहरों से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, वैसा ही कुछ सत्यराज की एक्टिंग में भी फील किया जा सकता है। फिल्म के कुछ सीन्स में अर्जुन की एरोगेंसी देखकर कुछ पल को अर्जुन रेड्डी फिल्म की याद भी आती है, लेकिन यहाँ कहानी एकदम अलग है, किरदार एकदम अलग है। फिल्म इमोशंस से भरी है, और जैसे कि आपको पता ही है कि इस फिल्म का जिक्र हम फिल्म कुछ हटके में कर रहे हैं, तो इसका हिंदी वर्जन भी यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। तो दोस्तों फिल्म देखिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।
लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. बी सेफ, हैव फन. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए